सो हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने भी बाइक, कार या कोई भी चीज़ लोन पर ली हुई है तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप उसका ईएमआई का पेमेंट घर बैठे ही कर सकते हैं, वो भी फ़ोनपे के जरिए। बिल्कुल आपको कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप यह घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। दोस्तों, हम ऑफलाइन जब पेमेंट करते हैं तो हमें एक आशंका बनी रहती है कि हमारा पेमेंट हुआ या नहीं हुआ है। जब तक हमें ओरिजिनल रसीद नहीं मिल जाती है, जब तक हमें यह घबराहट होती रहती है। तो दोस्तों, आप जैसे ही फ़ोनपे से पेमेंट करते हैं तो डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में जाता है और आपको यहां पर ट्रांजैक्शन आईडी भी उसकी मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम फ़ोनपे के जरिए आपको यहां पर कंप्लीट प्रोसेस बता देते हैं। तो सबसे पहले हम फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। दोस्तों, जैसे ही आप फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो एक नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन होकर आ जाता है। अब नीचे हम स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिल जाता है लोन रीपेमेंट का। तो सिंपली से हम लोन रीपेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है जिस भी कंपनी से आपने लोन लिया है। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे LNT। तो मेरा सबसे पहले ही आ चुका LNT फाइनेंशियल सर्विसेज। तो दोस्तों, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको लोन अकाउंट नंबर डालना पड़ता है। तो आपको जो कागज मिले हुए होंगे उस पर एक लोन अकाउंट नंबर होता है, उसके बाद हम मोबाइल नंबर डालेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि मैंने पहले ही इसका पेमेंट किया था, तो मेरा सबसे ऊपरी भाग पर लोन अकाउंट नंबर है, तो हम इस पर सिंपली सा क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, मेरा ड्यू आ चुका है 5,990 रुपये का। तो सिंपली सा आपका भी इसी प्रकार से आ जाएगा। अगर आपका नहीं आता है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद क्या करना है, प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। पे करने के बाद आपको बैंक अकाउंट को चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पे नाउ। तो जैसे ये पे करेंगे तो उसके बाद UPI डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो सिंपली सा UPI पिन डालने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे अभी पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने यह बताया था। मेरा 5 तारीख को ड्यू है तो मैं 5 तारीख को यहाँ पर पेमेंट कर दूंगा। तो दोस्तों, आप घर बैठे ही किसी भी वाहन का यहाँ पर लोन का पेमेंट कर सकते हैं घर बैठे। आपको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है, इसके बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा।